दिल्ली में गिरफ्तार हुआ सीरियल रेपिस्ट शौक के लिए करता था बच्चियों से बलात्कार। सीसीटीवी फुटेज से मिला आरोपी का सुराग। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को इंसान कहना मुनासिब नहीं होगा। 38 साल के इस शख्स का नाम यूं तो सुनील रस्तोगी है, मगर इस पर जो इल्जाम लगे हैं उसके बाद आप इसे शैतान या फिर दरिंदा ही कहेंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि पेशे से दर्जी सुनील ने पिछले 2 साल में एक दो नहीं बल्कि करीब दर्जन भर बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है और न जाने कितनों के साथ ऐसी दरिंदगी की कोशिश की। अभी तक कितना जगह ऐसा ट्राई कर चुके हो? कोई गिनती नहीं। दिल्ली पुलिस ने एक सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग लड़कियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता था। इसका नाम सुनील रस्तोगी है। पुलिस के मुताबिक इसकी उम्र जो है वो 38 साल है और ये दिल्ली NCR और उत्तराखंड में करीब एक दर्जन से ज़्यादा लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुका है। उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला ये सीरियल रेपिस्ट कई साल पहले न्यू अशोक नगर में ही एक टेलर शॉप में काम करता था, लिहाजा ये एरिया इसकी सॉफ्ट टारगेट पर था। हैरत की बात है कि अपने शिकार की तलाश में यह हर हफ्ते रुद्रपुर से दिल्ली आया करता था। हफ्ते में एक बार रुद्रपुर से संपर्क क्रांति ट्रेन में आता और गाजियाबाद उतर जाता था। गाजियाबाद से दिल्ली के बीच में जहां भी इसको कभी कोई विक्टिम बच्ची मिल जाती उसके साथ ये अपनी लस्ट पूरी करने की कोशिश करता था। इस सीरियल रेपिस्ट का पता भी नहीं चलता अगर एक केस की तफ्तीश के लिए पुलिस ने अशोक नगर इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला नहीं होता। सीसीटीवी तस्वीरों में ये शख्स एक बच्ची के साथ नजर आया, जिसके बाद शुरू हुई जांच में पूरे मामले का खुलासा हो गया। कितने साल से कर रहे थे ये? 3-4 साल से। कितने कितने साल के बच्चे को तुमने अभी तक टारगेट किया है? 10-11 साल। हाँ 10-11 साल। कहाँ कहाँ तुमने कर रखा है? गाजियाबाद दिल्ली। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के लिए इसने खास तरीके अपनाया था। ये बच्चियों को बहलाकर किसी सुनसान मकान या झाड़ियों में ले जाता और फिर उनका शोषण करता। तौर से ये खाली बिल्डिंग को पहले से आइडेंटिफाई करके रखता था कि इस इलाके में स्कूल के आसपास कौन सी खाली बिल्डिंग है जहां पर ये बच्चों को लेके जा सकता था, या अगर स्कूल से कोई बच्चा दूसरी कॉलोनी में जा रहा और बीच में झाड़ियाँ हैं तो वो झाड़ियों में बच्चों को लेकर के जाता। पिछले कई दिनों से न्यू अशोक नगर में इस तरह की वारदातों की खबरें आ रही थी, जिसके कारण माता पिता दहशत में थे। 13 तारीख को मेरी बहन कॉपी लेने जा रही थी, वहाँ पे एक आदमी आता है, उससे बोलता है आपके पापा बुला रहे हैं, तो फिर वो उसके साथ चली जाती है पापा का नाम सुन के। फिर वो जीने पे ले जाता है, उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ गलत काम करता है। स्कूल से आ रही थी और वहाँ से पकड़ा और एक मकान में लेके गया, वहाँ पर भी मतलब हाँ एरिया था और उसको मतलब जीने तक लेके गया। वो तो ऊपर से शुक्र हो भगवान के ऊपर से कोई आ गया और उसको छोड़ दिया। फिलहाल इस सन की दरिंदे की गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। सुनील ने जो बातें पुलिस को बताई हैं उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस के मुताबिक सुनील ने एक दर्जन से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि इससे पूछताछ में कई और ज्यादा मामले सामने आएंगे और कई केस सुलझेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनुप यादव के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।